पिछले 6 साल से नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, बल्कि देश के आम आदमी को एक के बाद एक धोखा दिया, उसका जीना मुश्किल कर दिया। बैंकों के आगे लंबी लंबी कतारें, अपना ही पैसा अपने खाते से निकालने की बेबसी और सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार की चोरी और ऊपर से सीना जोरी। मोदी जी, आखिर आप इस देश को किस बात की सजा दे रहे हैं? जहां 2015-16 में 18,699 करोड़ के बैंक फ्रॉड पाए गए थे, आज आंकड़ों के साथ आए हैं, हम हर बार आंकड़े आपके सामने पेश करते हैं ताकि ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मोदी सरकार के मंत्री गुमराह करने की चेष्टा करते हैं वो न कर पाए। वर्ष 2015 में 18,699 करोड़ के बैंक फ्रॉड पाए गए थे, 2016-17 में 23,933 करोड़ के बैंक फ्रॉड थे, 2017-18 में 41,167 करोड़ के बैंक फ्रॉड हुए, 2018-19 में 71,500 करोड़ के बैंक घपले हुए और 2019-20 में मार्च 2020 तक 1,43,068 करोड़ के बैंक घपले हुए। ये बैंक घपलों का आंकड़ा एक बार स्पष्ट तौर पे सबको समझ लेना चाहिए ताकि बार बार गुमराह ना कर सकें ये लोग। यस बैंक की बारे में मैंने सुना, अभी वित्त मंत्री जी बता रही थी कि ये यूपीए के वक्त के ऋण हैं, उनकी ऋण पुस्तिका देख लीजिए। यस बैंक की ऋण पुस्तिका अगर आप देखेंगे तो मार्च 2014 में जो ऋण 55,633 करोड़ था, मार्च 2015 में 75,000 करोड़ था, माफ कीजिएगा, मार्च 2016 में 98,000 करोड़ था, मार्च 2017 में 1,32,000 करोड़ था, मार्च 2018 में 2,30,000 करोड़ था। बताइए ये वृद्धि कैसे हुई? वित्त मंत्री जी की भाषा में ही उनसे पूछें तो किसके चाचा ने किसके भतीजे को ये ऋण दिलवाया? ये क्या सोचते हैं सब अज्ञानी हैं इनकी तरह कि जो बोल देंगे लोग चुपचाप से हजम कर लेंगे और मान लेंगे? इट इज पॉइंटलेस टू आस्क एनीथिंग टू डॉक्टर निर्मला सीतारमन। दिस इज द फर्स्ट एंड आई होप द लास्ट कैबिनेट फुल ऑफ क्लूलेस मिनिस्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर इज क्लूलेस, हिज मिनिस्टर्स आर क्लूलेस एंड वी आर टोल्ड दैट द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट टॉलरेट एफिशिएंट पीपल अराउंड हिम। प्रधानमंत्री अपने आसपास भी काबिल लोगों को फटकने नहीं देते, उनको एक अजीब सी असुरक्षा की भावना हो जाती है, ही फील्स इनसिक्योर ऑफ टैलेंट। एंड आई कैन गिव यू काउंटलेस एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ ही गॉट रिड ऑफ टैलेंट। देश यह तो जान ही चुका है कि मोदी जी को सरकार चलाना नहीं आता। यूपीए के दौरान अर्थव्यवस्था न केवल पटरी पर थी, अच्छी गति से दौड़ भी रही थी। 2008 में एक वित्तीय संकट विश्व में ने देखा, भारत उससे अछूता रहा, भारत में उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। आज जो वित्तीय संकट भारत से उत्पन्न हुआ है उसका प्रभाव पूरे विश्व में पड़ रहा है, सबके सामने आ रहा है। तो यदि आपको एक डॉक्टर और एक नीम हकीम में अंतर देखना हो तो यूपीए के 10 साल और मोदी जी के 5-6 साल देख लीजिए, आपको डॉक्टर और कंपाउंडर या डॉक्टर और नीम हकीम, कंपाउंडर तो कोई बात नहीं अच्छी बात होती है, डॉक्टर और नीम हकीम में अंतर आपको मालूम। अभी 6 महीने पहले इस मंच से आपको मेरे कई सहयोगियों ने पीएमसी बैंक फ्रॉड पर भी विस्तृत चर्चा की आपके सामने, जहां मुंबई और अन्य शहरों में, महाराष्ट्र में लंबी लंबी कतारों में लोग अपना पैसा निकालने के लिए खड़े थे, बेबस थे, लाचार थे, सदमे से कई जाने चली गई थी। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 6 ही महीने हुए हैं इस बात को। घर में शादी हो, बीमारी हो, कोई और मजबूरी हो, आवश्यकता हो अपने पैसे की, वो विड्रॉ नहीं कर पा रहे थे।
टू फोर्स लिटरली फोर्स द LIC ऑफ इंडिया टू बाय 51% ऑफ IDBI. जो बीमा के जो नियम होते हैं उन नियमों के तहत बीमा कंपनी किसी भी कंपनी में 15% से ज्यादा निवेश नहीं कर सकती, वो अलाउड नहीं है. तो फिर मोदी सरकार ने रेगुलेटर की मार्फत LIC को मजबूर किया कि वो 51% खरीद ले IDBI का, डूबते हुए एक IDBI का. आखिर क्या मजबूरी है आपकी, क्यों इतनी वित्तीय अप्रबंधन हो रहा है और आप आम आदमी का मेहनत का पैसा क्यों डुबो रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक ने कल यस बैंक को अपने नियंत्रण में लिया और एक सीमा बांध दी खाताधारकों पर कि 50,000 से ज्यादा वो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, वापस नहीं निकाल पाएंगे अपना ही पैसा. देश यह जानना चाहता है कि जब मई 2019 से लेकर अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक प्रतिनिधि यस बैंक के बोर्ड पर था या नहीं था. सबको मालूम है मई 2019 में RBI का एक प्रतिनिधि उस बोर्ड पर आ गया था, वो अब तक क्या कर रहा था, स्थिति यहां तक क्यों आई कि खाता धारकों को लाइन में लगना पड़ जाए. जब यस बैंक के शेयर्स भारी मात्रा में अब से कुछ महीनों पहले बिके थे, तब क्या वार्निंग सिग्नल्स या कोई चेतावनी के स्वर आपको नहीं सुनाई दिए? तब क्या कदम उठाए गए? ये आनन फानन में कदम उठाना और उन कदमों का खामियाजा एक आम खाता धारक को भुगतना पड़े, क्या ये है आपकी वित्तीय? हिंदी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें. धन्यवाद.